ਬਾਣੀ ਜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨੀ ਏ ਬਣਦੀ ਪਈ ਏ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਕ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। आप सबको ईद मुबारक। आज ईद का दिन है, मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। तो ईद के लिए, कुर्बानी के लिए ये बकरी है यार, ये हमारे घर की है। अब इसे कुर्बानी का तो टाइम आ गया, इसे लेके चलते हैं कसाई के पास। कसाई भी आए खड़े हैं। ये दो जानवर है, एक तो हलाल होने के लिए मैंने आपको पहले दिखा दिया, वो हलाल होने के चली गई है बाहर। कसाई आए खड़े हैं, उन्होंने बाहर गिरा भी लिए। तो एक ये बकरा, इसको हलाल करना है यार। आज भी इसको आराम नहीं है, ईद के दिन भी इसकी फ्री फायर चली पड़ी है। और भाई किस नाम का हाफिज है तू, किस काम का है भाई? जा बार कुर्बानी और ये कोई हाथ शाथ फेर, चल उठ। ये देखो फ्री फायर पे लगा पड़ा, फोन भी इसका थका हुआ है और छोड़ता नहीं है उसकी जान फ्री फायर की। और भाई तू क्या कर रहा है? भांडे धो रहा हूँ। अभी हम अपने भाई के सेटअप पे आए हैं और ये इनके पास ब्लैक डैनिश और वाइट यानी शराजी हैं। बच्चे भी दिए हुए, ये तो शराजियों के बच्चे हैं और ये मेरे ख्याल डैनिश का है। ये कौन से हैं? ये भी यही है। और ये यहाँ पे भी अंडे ये पास से देख लें। अभी ये बच्चा है, पकड़ लेते हैं। इसको जो रिंग लगी हुई है ना, ये देखें, राना मानी लिखा हुआ है ना जी, राना मानी। इसका लोगो है हलमत। और ये मेल है, इसको भी जो है रिंग लगी है, इसको भी ये देखें राना मानी की लगी रिंग लगी हुई है। ये दिए क्या दिखाना, इनकी आंखों की तो खूबसूरती है। अबीर काबू नहीं, अभी खाना दे रहा है अपने बच्चे को, अपने बच्चे को खाना दे रहा है। ये इंग्लैंड का कबूतर है, हाँ ये तो पता है। भाई कह रहे हैं इंग्लैंड से इंपोर्ट कराया हमने, तो इन्हें वो रिंग भी दिखा दिया वो एक जिनसे इन भाई ने लिए। सारा मिक्स नान है, हर चीज है इसमें।
जैसा कि आपको पता है आज ईद थी, ईद तो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, अभी दो दिन पड़े हैं, अभी रहती है ईद, लेकिन जो हमने कुर्बानी करनी थी वो तो हो गई। और आज इंतहा की गर्मी थी, गोश्त मारते मारते बंदे का ना बुरा हाल हो गया, ये कपड़े सारे पसीने से भीगे पड़े हैं। और चलो आज को हम ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना। अल्लाह हाफिज़।